अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई जहराज किचन। आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ घर पर आप किस तरह से पनीर बना सकते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसा। और मैं यहाँ पर कोई पैकेट वाला दूध इस्तेमाल नहीं करूँगी, मैं यहाँ पर गाय के दूध से ही इसे बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक खुला सा बर्तन। अब मैं यहाँ पर 2.5 यानी 2.5 लीटर के करीब दूध डाल लेती हूँ। मैंने इस दूध को पहले ही 15 से 20 मिनट के लिए हाई टू मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से इसे बॉईल कर लिया है। फिलहाल दूध जो है ठंडा है, तो बहुत ही हमें इस बात का ध्यान रखना है, अगर हम घर पर पनीर बनाते हैं हमारा दूध जो है फुल फैट मिल्क ही होना चाहिए। पतले दूध से हमारा पनीर अच्छी तरह से नहीं बनेगा। तो मैं यहाँ पर फुल फैट मिल्क का ही इस्तेमाल करने वाली हूँ। अगर आप पैकेट वाले दूध से पनीर बनाना चाहते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, दूध आपका फुल फैट मिल्क का ही होना चाहिए। तो पनीर बनाने के लिए मैं यहाँ इस्तेमाल करूँगी व्हाइट विनेगर। ब्लैक विनेगर आप बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें, आपका पनीर का कलर पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं व्हाइट विनेगर का इस्तेमाल करूँगी यानी सिरका। तो यहाँ पर मैं 1/2 कप के करीब सिरका डाल लेती हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर 2.5 लीटर दूध को, अगर दूध से पनीर बनाना चाहते हैं तो 2 नींबू का रस आपको लेना है। कम से कम आपको 10 से 12 चम्मच आपको नींबू का रस लेना होगा, तभी आपका दूध जो है अच्छी तरह से फट पाएगा और पनीर आपका बनेगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है व्हाइट विनेगर 1/2 कप के करीब, आप देख सकते हैं। और एक बात, मैं हमेशा पनीर जब भी बनाती हूँ व्हाइट विनेगर से ही बनाती हूँ। इससे क्या है ना, हमारे पनीर में कोई स्मेल नहीं रहता है, ना ही ज़्यादा खट्टापन रहता है। अगर हम नींबू के रस से बनाते हैं तो पनीर में थोड़ा सा नींबू का खट्टापन और स्मेल रह जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा पनीर व्हाइट विनेगर से ही बनाती हूँ। और मैं सजेस्ट करना चाहूँगी, आप भी जब भी पनीर बनाएँ तो इस तरह से व्हाइट विनेगर से ही घर पर बनाएँ। तो चलिए, अब मैं इसे स्टोव पर रख लेती हूँ इस बर्तन को, और स्टोव का फ्लेम हाई कर लूँगी। मैंने दूध को पहले ही उबाल लिया है, मैंने बोला था आप लोगों को, और अब जो है हम इसे एक बार अच्छी तरह से बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। जब दूध अच्छी तरह से बॉईल होने लगेगा हम यहाँ पर विनेगर ऐड करेंगे। तो चम्मच इस तरह से हमें चलाते रहना है, क्योंकि हमारा मिल्क जो है दूध वो फुल फैट क्रीम मिल्क है, तो नीचे बर्तन पर लग जाएगा। मैंने स्टोव का फ्लेम हाई करके रखा हुआ है, तो इस तरह से हमें चम्मच चलाते रहना है। अब आप देख सकते हैं दूध अच्छी तरह से उबलने लगा है, खौलने लगा है। इस तरह से मैं चम्मच चलाते ही रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, स्टोव का फ्लेम मीडियम पर कर लूँगी, और हम यहाँ पर अब विनेगर डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करते हुए हमें विनेगर डाल लेना है, इस तरह से एक हाथ से हमें डालना है और एक हाथ से चम्मच इस तरह से चलाते रहना है। और आप देखेंगे विनेगर डालते ही हमारा दूध जो है बिल्कुल फट कर छेना बन जाएगा, पानी अलग हो जाएगा और छेना अलग हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर 2 लीटर यानी 2.5 लीटर दूध में 1/2 कप के करीब विनेगर डाला है, तभी हमारा छेना इस तरह से बनेगा। अगर हम कम विनेगर डाल लेते हैं और हमारा छेना ना बने तो आप यहाँ पर और थोड़ा सा विनेगर डाल सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 2.5 लीटर दूध में 1/2 कप के करीब अगर विनेगर डाली हूँ तो पूरी तरह से फट चुका है, यानी छेना और पानी अलग हो चुका है। अब मैं यहाँ पर स्टोव का फ्लेम हाई कर ली हूँ। हाई फ्लेम पर हम इसे एक बॉईल आने तक छोड़ेंगे, उसके बाद मैं स्टोव को ऑफ कर लूँगी। तो देखिए अच्छी तरह से खौलने लगा है, पानी बिल्कुल अलग और छेना बिल्कुल अलग हो चुका है। अब मैं स्टोव को ऑफ कर लेती हूँ और इसे मैं 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दूंगी। उसके बाद मैं इसे एक मलमल के कपड़े से यानी एक कॉटन कपड़े से इसे मैं छान लूँगी। 3 से 4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मैंने स्टोव से इसे बाहर निकाल लिया है, और आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं पानी और छेना किस तरह से अलग हो चुका है। पानी का कलर आपको यहाँ पर ग्रीन दिखेगा, छेना होने के बाद पानी का कलर इस तरह से ग्रीन हो जाता है। तो चलिए अब मैं क्या करूँगी, इसे छानूंगी। मैंने एक छोटा सा बर्तन लिया है, अब मैं उसके ऊपर एक छलनी रख लेती हूँ। इसी के साथ हम इस छलनी के ऊपर एक कॉटन का कपड़ा हमें रख लेना है, आप चाहें तो रुमाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस पर आप अच्छी तरह से पनीर को छान सकें। इस तरह का आपको पतला सा कॉटन सूती कपड़ा आपको लेना है। तो चलिए मैं अब छेने को इस तरह से छान कर इसमें डालते जाऊंगी। सभी छेने को मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। सभी छेने को इस तरह से कपड़े पर छानने के बाद अब मैं यहाँ पर 2 ग्लास के करीब ठंडा पानी डाल लेती हूँ। वो इसलिए हमने विनेगर से इसे बनाया है ताकि इसके अंदर जितना भी खट्टापन रहेगा वो निकल जाएगा। आप चाहें तो इस तरह से टैप के नीचे भी आप रखकर छेने को अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, सभी कपड़े को एक साथ पकड़ने के बाद इसे मैं अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लूँगी।
छेने में हमें बिल्कुल भी पानी नहीं रखना है। अच्छी तरह से जितना हो सकता है हम अभी इसे स्क्वीज़ कर लेंगे। उसके बाद आप चाहें तो इसके ऊपर एक भारी सा बर्तन रख सकते हैं, या फिर आप इसे किसी नल या फिर टैप के ऊपर लटका कर इसे बांध सकते हैं, ताकि इसका एक्स्ट्रा जितना पानी हो निकल जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जितना हो सकता था हाथ से अच्छी तरह से इसे स्क्वीज़ कर लिया है। अब इसके ऊपर एक वज़नदार सामान आप चाहें तो इस तरह से रख सकते हैं। 2 घंटे के लिए हमें इसी तरह से छोड़ना है, ताकि इसके अंदर का जितना एक्स्ट्रा पानी हो निकल जाए और हमारा छेना अच्छी तरह से पनीर के शेप में आ जाए। तो अब मैं क्या करूँगी, इसे टैप पर बांध देती हूँ और 2 से 3 घंटे के लिए मैं इसे छोड़ दूँगी, और जितना एक्स्ट्रा पानी होगा निकल जाएगा, हमारा पनीर बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने छेने के पुटले को टैप पर अच्छी तरह से बांध लिया है। 2 घंटे के लिए हम उसे उसी तरह से छोड़ देंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, हमने जो छेना बनाया है उसका पानी जितना है आप उसे फेंकिएगा नहीं, बहुत ही फ़ायदेमंद वाला पानी होता है। अगर हम पैकेट वाले दूध से बनाते हैं तो इसका कलर ऐसा नहीं आएगा, इसका पानी का कलर बिल्कुल सफ़ेद ही आता है। लेकिन अगर हम गाय के दूध से छेना बनाएंगे, पनीर बनाते हैं, तो इसका पानी का कलर इस तरह से आता है, हल्का हल्का लाइट ग्रीन कलर रहता है। अगर आप दोबारा से पनीर बनाना चाहती हैं तो इस पानी को आप फ्रिज में स्टोर करके रख लें। जिस वक्त भी आपको पनीर बनाना हो, 1/2 कप के करीब इस पानी को दूध में डाल लें, आपका छेना बनकर तैयार हो जाएगा, यानी आप नेक्स्ट प्रोसेस करके पनीर बना सकती हैं और आपको नींबू और सिरके की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा पनीर बिल्कुल बनकर तैयार है। 2 घंटे के लिए मैंने टैप पर इसे लटका लिया था, जितना एक्स्ट्रा पानी था वो अच्छी तरह से निकल चुका है। तो देखिए, हमारा पनीर बिल्कुल बनकर तैयार है। मैंने छेने को टैप पर लटकाया था, लेकिन बन चुका है पनीर। 2 घंटे के बाद अच्छी तरह से बाइंडिंग हो जाता है, बाइंडिंग फॉर्म पर आकर एक पनीर शेप ले लेता है। तो चलिए मैं इसे आप लोगों को कट करके दिखा देती हूँ। तो देखिए आप, कितना सॉफ्ट बना है। इस पनीर से आप जो चाहें रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं, चाहे सालन हो, करी हो, या फिर पनीर मसाला, बटर पनीर मसाला, या फिर पनीर टिक्का। तो परफेक्ट पनीर की रेसिपी है, आप इसे एक बार अपने घर पर ज़रूर बनाकर देखिए। आपका पनीर बिल्कुल इसी तरह से बनकर तैयार होता है। मार्केट में जो पनीर बनता है उसमें सिट्रिक एसिड और भी केमिकल डालकर पनीर बनाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आपके सामने ही विनेगर सिर्फ डाला है, सिरका। सिरका सेहत के लिए बुरा नहीं होता है, तो आप इस तरह से सिरका डालकर पनीर बनाकर देखिए। आपका पनीर बिल्कुल इसी तरह से परफेक्ट बनेगा, सॉफ्ट बनेगा और हेल्दी बनेगा। आप इस पनीर को सलाद के तौर पर भी खा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, देखिए कितना माशाल्लाह हमारा पनीर बहुत ही सॉफ्ट बना है। इस पनीर का बेस्ट रिजल्ट आपको फ्रीज में रखने के बाद मिलेगा। 2 घंटे के लिए आप इसे फ्रीज में रख लें, उसके बाद आपका पनीर बिल्कुल पकने के लिए तैयार हो जाता है। आप जिस रेसिपी को चाहें इस पनीर से बना सकते हैं। तो फ्रीज में स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक कंटेनर। अब मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ 2 ग्लास के करीब पानी, नॉर्मल वाटर है, आप वही पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर पनीर के क्यूब्स डाल लेती हूँ इस तरह से, और इसे मैं लिड से कवर कर लूँगी इस बर्तन को, और मैं इसे 2 घंटे के लिए फ्रीज में रख लेती हूँ। उसके बाद हमारा पनीर बिल्कुल सेट हो जाता है कोई भी रेसिपी तैयार करने के लिए। और इसी तरह से आप पनीर को 2 से 3 दिन के लिए फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं। ख़राब नहीं होगा, हार्ड नहीं बनेगा, ना ही इसके टेस्ट में कोई फ़र्क आएगा। तो इस तरह से आप फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए। तो चलिए अब मैं इसका लीड लगा लेती हूँ, इसे बंद कर लेती हूँ और फ्रिज में 2 घंटे के लिए इसे रख लूँगी। 2 घंटे के बाद मैं इसका रिजल्ट दिखाऊंगी आपको, आखिर हमारा पनीर कैसा बना है, वो भी गाय के दूध से अगर हम पनीर बनाते हैं तो। तो चलिए मैं इसे फ्रिज में रख लेती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, 2 घंटा हो चुका है, मैं आप लोगों को फाइनल रिजल्ट दिखा देती हूँ, आखिर हमारा पनीर बना कैसा है। माशाल्लाह हमारा पनीर बिल्कुल बनकर तैयार है, परफेक्ट, 100% परफेक्ट। मार्केट से कहीं ज़्यादा हेल्दी पनीर मैंने घर पर बनाकर आप लोगों के साथ शेयर किया है, और इस पनीर से आप जो चाहे रेसिपी बना सकते हैं। अब हमारा पनीर पूरी तरह से सेट हो चुका है पकने के लिए। आप इस पनीर से पनीर टिक्का भी बना सकते हैं। तो देखिए कितना सॉफ्ट बना है हमारा पनीर, फ्रीज में रहने के बाद भी हमारा पनीर बहुत ही सॉफ्ट है। तो आज की पनीर की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और इसी तरह की बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए।
और साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुंचेगी और आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।